एमएनए राणा मुबशीर इकबाल भी नैब के निशाने पर हैं। राणा मुबशीर ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। बेवा खातून ने नैब में दरख्वास्त दे दी। नैब ने खातून की दरख्वास्त पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। आपको बताते चले, अपडेट करते चले, राणा मुबशीर ने जमीन पर कब्जा कर रखा है, दरख्वास्त गुजार का ये कहना है, और नैब ने खातून की दरख्वास्त पर तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। लीगी एमएनए राणा मुबशीर इकबाल भी नैब के निशाने पर हैं। दरख्वास्त जमा कराई गई है खातून की जानिब से और नैब की जानिब से तहकीकात का सिलसिला भी शुरू होगा। तफसीलात जानेंगे राहिल सैयद से। जी राहिल, राहिल आगा कीजिएगा, नैब ने खातून की दरख्वास्त पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी, नैब को अभी दरख्वास्त मसूल हुई है राणा मुबशीर के खिलाफ, और इस हवाले से खातून ने जो इल्जाम लगाया वो ये लगाया मुस्लिम लीग के रहनुमा के ऊपर कि खियाबानी अमीन के साथ उसकी कुछ जमीन थी सोसाइटी में, सोसाइटी की जो कब्जे में ले ली गई है खियाबानी अमीन इंतजामिया की जानिब से, राणा मुबशीर ने उनकी भरपूर मदद की थी। इस हवाले से एक दरख्वास्त जो है नैब को जो है वो मसूल हुई है, जिस पर नैब ने इब्तदाई वेरीफिकेशन के लिए जो है वो जरूरी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। वेरीफिकेशन के बाद जब सबूत सामने आएंगे तो इसको बाकायदा इंक्वायरी की शक्ल दे दी जाएगी और तहकीकात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। ताहम इस केस के हवाले से नैब ने अपनी इब्तदाई तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल सैयद आपका।